मंदिर और मूर्तियों के शहर अयोध्या में कई ऐतिहासिक और पौराणिक मठ मंदिर आज भी स्थित हैं। एक तरफ प्रभु राम का दिव्य मंदिर बन रहा है तो दूसरी तरफ प्रदेश की योगी सरकार अयोध्या के ऐतिहासिक मठ मंदिरों का जीर्णोद्धार भी करवा रही है। अयोध्या के प्राचीन मठ मंदिरों में जहाँ एक तरफ फसाद लाइटें लगाई जा रही हैं तो वहीं राम जन्मभूमि परिसर में स्थित पौराणिक और प्राचीन के कई को भवन अब अपना अस्तित्व बचाने के लिए भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा के पहले भव्य मंदिर का निर्माण करा रहा है। हालांकि राम मंदिर परिसर के विस्तारीकरण होने की वजह से कई ऐतिहासिक मठ और मंदिर को गिरा दिया गया था। इसके बाद अब उन प्राचीन मठ मंदिरों के संत महंत अपना अस्तित्व बचाने के लिए तेज गति के साथ मंदिर का निर्माण करवा रहे हैं। रामनगरी की प्राचीनता और पुराने पौराणिकता को बचाने के प्रयास में रामनगरी के संत नजर आ रहे हैं। भगवान राम के प्रांगण के विस्तारीकरण के कारण जद में आ रहे कोप भवन मंदिर के महंत की प्राथमिकता है कि उसके अस्तित्व को बरकरार रखा जाए। अति प्राचीन कोप भवन मंदिर रामलला के उद्घाटन के पहले बनकर तैयार होगा। प्राण प्रतिष्ठा के पहले ये मंदिर जो है प्राचीन है, कैकेयी माता का कैकेयी कोप भवन रामकुंड मोहल्ले में पड़ता है। पहले ये राम जन्मभूमि के ज्येष्ठ सामने था दर्शन मार्ग, अब वो मंदिर वहाँ से हट करके जन्मभूमि के द्वारा जो ट्रस्ट के द्वारा जो बातचीत के माध्यम से ज़मीन यहाँ पर मिला हुआ है, पुनः मंदिर का निर्माण हो रहा है। कैकेयी कोप भवन का प्राचीन ऐतिहासिक मंदिर है ये त्रेतायुगी। पहले ये मंदिर रामलला जन्मभूमि के गेट के सामने था दर्शन मार्ग। ये तय है कि ये बहुत प्राचीन मंदिर है, ऐतिहासिक है। जैसे श्री रामलला जन्मभूमि ऐतिहासिक है, प्राचीन है, कैकेयी माता का प्राचीन मंदिर से पूरे विश्व में जैसे जन्मभूमि एक है, वैसे माता कैकेयी का प्राचीन मंदिर एक है।